झरिया के जोरा पोखर थाना अंतर्गत जोरा पोखर डुमरी 3 नंबर से चोरी हुई JH10BR4799 ऑटो को जोरा पोखर थाना के प्रशिक्षु पुलिस अपर निरीक्षक राजीव रंजन मिश्रा ने अपने टीम के साथ छापेमारी कर महज 6 घंटे के अंदर किया जब्त। इस मामले को लेकर जोरा पोखर थाना प्रभारी सत्यम कुमार ने थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर बताया कि जोरा पोखर थाना क्षेत्र स्थित डुमरी 3 नंबर के रहने वाले शिव बालक प्रसाद की JH10BR4799 ऑटो 29 तारीख की रात लगभग 12:30 बजे में चोरी हो गई थी। मामले की जानकारी ऑटो मालिक को 30 तारीख की सुबह को मिली। ऑटो चोरी की जानकारी मिलते ही शिव बालक प्रसाद के होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने गाड़ी की खोजबीन शुरू की गई। घंटे खोजबीन के बाद भी जब ऑटो नहीं मिली तो शिव बालक प्रसाद ने 30 तारीख की शाम को जोरा पोखर थाना में ऑटो चोरी का मामला दर्ज कराया। साथ ही शिव बालक प्रसाद ने शक के आधार पर 2 लोगों का नाम भी लिया। मामला दर्ज होते ही जोरा पोखर पुलिस ने छापेमारी कर दोनों नामजद युवक को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी की गई ऑटो की जानकारी दी। दोनों युवक ने बताया कि चोरी की गई ऑटो सराय ढीला थाना क्षेत्र में रखा हुआ है। ऑटो की जानकारी मिलते ही जोरा पोखर के प्रशिक्षु पुलिस अपर निरीक्षक राजीव रंजन मिश्रा ने अपनी टीम के साथ बताए गए जगह पर पहुंचे और सरायढीला थाना के सहयोग से छापेमारी कर चोरी हुई ऑटो को जब्त कर जोरा पोखर थाना ले गई। साथ ही प्रभारी ने यह भी बताया कि जोरा पोखर थाना क्षेत्र में हुई चोरी और छिनतई मामले को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है ताकि घटना पर अंकुश लगा सके। आइए देखते हैं जोरा पोखर के थाना प्रभारी सत्यम कुमार क्या कहते हैं। एक ऑटो चोरी की घटना घटी। यह ऑटो शिव बालक प्रसाद की थी। यह घटना करीब रात को 12:30-1 बजे के लगभग घटी। उसका पता उसको चला, वो अपने स्तर से काफ़ी खोलने का प्रयास किया। उसको कुछ इनपुट भी मिला, पशुओं भी खोजता रहा और कल शाम को 6:45 बजे उसका केस थाना आया। तो थाना आने के बाद केस को दर्ज किया और दर्ज करने के बाद उसने 2 व्यक्तियों का अपने नाम लिया था। उसे तत्परता से कार्रवाई करते हुए और सूचना संग्रह करते हुए उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया और पकड़ के जब उसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि ऑटो को इन्होंने खड़े ऑटो को ढकेल के स्टार्ट किया और चोरी कर लिया ऑटो को और ले जाकर सरायगढ़ थाना क्षेत्र में कहीं सुनसान गली में लगा दिया। इस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमारे PSI राजीव मिश्रा, महेंद्र कुमार, सुमन कुमार सिंह और मुकेश कुमार रावत मिलकर हमारे वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर गए, छापेमारी किए और ऑटो को बरामद कर दिया। इस प्रकार 6 घंटे से भी कम समय में, लगभग 6 घंटे में या 7 घंटे में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया गया और उनकी निशानदेही पर चोरी का ऑटो बरामद कर दिया गया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें से एक लड़का जो है उसमें से एक लड़का का नाम राहुल है और एक का नाम आसिक है। राहुल जो है पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और अभी से वो जेल जा चुका है। हम लोग उसकी आपराधिक इतिहास को प्राप्त कर रहे हैं पुलिस को। सर इससे पहले भी 3 नंबर में मतलब मोबाइल छिनतई को लेकर के कुछ मामला दर्ज हुआ था यहाँ, उसमें भी सर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार की गई है। जामाडोबा नंबर जामाडोबा के पास एक इंजीनियर को रास्ता पूछने के दौरान मोटरसाइकिल के सवाल जाम करवा दिए गए उनके मोबाइल और पासपोर्ट को छीन लिए। तो उस समय हम लोग मोबाइल को इसके मेरे जो एजेंसी टेस्ट करने में उसका आई एम आई नंबर पर कोई दूसरा सिम चल रहा है या नहीं, तो टेस्ट करते करते आखिरकार दूसरा सिम लगा और जैसे ही सिम लगा तो उसको प्रयोग करने वाला आदमी का पता चला। पहले उसको उठाया गया तो उसके बाद उसके निशानदेही के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 2 व्यक्ति और बचे हुए हैं। वो लोग भी 3 नंबर के ही थे सर, क्योंकि रहने वाले लोग 3 नंबर के ही थे। 3 नंबर में लगातार जो आपराधिक घटना घट रही है उसको ऊपर अंकुश लगाया जा रहा प्रशासन की ओर।